हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एकदम अलग और स्वाद से भरी टिंडोरे की सब्जी की रेसिपी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक पैन को गरम करके 3 से 4 स्पून तेल डाल देंगे। अब इसमें हम 1 टीस्पून राई डालकर राई को अच्छे से क्रैकल होने देंगे। अब 1 टीस्पून जीरा डाल दें। हाफ टी स्पून हींग डाल दें। थोड़े से करी पत्ता डाल देंगे। 1 कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। अच्छे से चला लें। अब हम इसमें थोड़ी सी कुटी हुई मूंगफली डाल देंगे। इससे सब्जी का स्वाद बहुत ही बढ़ जाएगा। अच्छे से भून ले और थोड़ी देर धीमी फ्लेम पर पकने देंगे। अब हम इसमें चॉप किए हुए टिंडोरे डाल देंगे। यहाँ पर मैंने 300 ग्राम जितने टिंडोरे लिए हुए हैं। अच्छे से चला लें। अब हम 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। लगभग 2 टीस्पून धनिया पाउडर डाल देंगे। एक टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। अच्छे से मसालों को मिक्स कर लेंगे चलाते हुए। अब 1 छोटी ग्लास जितना हम पानी डाल देंगे। अच्छे से चला लें। अब हम ढककर सब्जी को 7 से 8 मिनट तक पकने देंगे। बीच बीच में चलाते रहेंगे। टिंडोरे की सब्जी बनने में लगभग 10 मिनट लग जाते हैं। 10 मिनट हो जाए फिर दबा कर चेक कर लें टिंडोरे नरम हुए हैं कि नहीं। हमारे टिंडोरे एकदम पक चुके हैं। अब इसे हम दबा कर चेक कर लेंगे। अब इसमें हम 1 टीस्पून आमचूर पाउडर डाल देंगे। 1 टीस्पून मेथी मसाला डाल देंगे, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अब इसमें हम 3 से 4 स्पून जितना बेसन डाल देंगे। अब अच्छे से सब्जी को थोड़ी देर चलाते रहेंगे। फ्लेम धीमी ही रखेंगे। अब थोड़ी देर ऐसी सब्जी को हम पकने देंगे। हमारी सब्जी बन चुकी है। अब धनिया पत्ते से गार्निश कर लेंगे और पराठे और रोटी के साथ सर्व कर लेंगे। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें। आई एम श्योर आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करें।
इस रेसिपी को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर से दबाएं ताकि मेरी हर रेसिपीज आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।